तीन चार बार अगर ऐसे मैप को कर लिया तो मैप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता है। फिर जितनी बार ज्योग्राफी पढ़ते हैं उतनी बार ज्योग्राफी के हर चीज़ को नक्शे पर सोचना ज़रूरी है। ये तीन नक्शे तो पास में होने चाहिए। ऐसी कोई एग्जैक्ट किताब नहीं है जिसको पढ़कर ही प्रीलिम्स हो सकता है, और उस किताब को नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स नहीं हो सकता। मैं एक टेस्ट बॉडी का डायरेक्टर रहा हूँ, अक्सर मुझे ऐसे बच्चे मिलते थे जो एग्जाम में आधे घंटे 15 मिनट लेट आए और इस तरह कारण बताया कि सब मैं तो सही समय से आ गया था और फिर मुझे कहीं खाने की जगह नहीं मिले, मैं वो ढूंढने लगा तो वो सेंटर आने में लेट हो गया। ये एग्जाम पढ़ने का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का एग्जाम है, चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का एग्जाम है। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैप जो है वो मैप आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे। ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मैप को हम रटने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इस कमरे में खड़े हैं तो आप बता सकते हैं कि पूरब किधर है और उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, कैसे बताएंगे? सूर्य को देखेंगे, सूर्य जिस तरफ से निकल रहा है वो पूरब है, और फिर उत्तर किधर आएगा? कोई लेफ्ट में, कोई राइट में। नक्शे पे ऐसा होता नहीं है। नक्शे पे क्या होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। ऐसे ही याद किया था मैंने। मैं पता है बचपन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जब कोई पूछता था कि ईस्ट तो सभी बता देते हैं उधर से, उसके बाद पूछता अच्छा साउथ किधर है फिर बताओ, तो साउथ का कोई पहचान है? साउथ तो ईस्ट के रेफरेंस में बनेगा, तो मैं ऐसे याद करता था कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दाहिनी तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट। जब छोटा बच्चा था ज्योग्राफी पढ़ता था तो ईस्ट की तरफ हाथ करके, इधर से सूरज होगा, ईस्ट की तरफ हाथ करके खड़ा होता था तो मैं सोचता था कि उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। थोड़े दिनों बाद समझा कि नहीं नहीं, ऊपर तो आसमान है, तो ऐसे खड़े होने से नहीं बनेगा, पृथ्वी पर ऐसे लेटना पड़ेगा। तो जब ऐसे, तो ये विजुअलाइजेशन जो है इतनी सी एक्सरसाइज से, आज भी अभी भी कोई ईस्ट बोलता है और साउथ, तो मैं ईस्ट की तरफ दाहिना हाथ करता हूँ, मैंने कहा पिछवाड़ी की तरफ इधर साउथ है और आगे की तरफ नॉर्थ है। ये जो कागज़ पे पढ़ा था उसको एक बार लाइफ में कर लिया तो डायरेक्शंस याद पता होते हैं कि साउथ। बहुत बार आप पूछोगे ना रास्ते में किसी से, रास्ता पूछोगे तो किधर, बोले बस यहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण चले जाओ, अब वो दक्षिण ही सोचता रहता है कि दक्षिण किधर है, साउथ किधर है। तो ये हमको रियल लाइफ में सेंस नहीं बन पाता इस डायरेक्शन का, तो हम मैप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जब आप अप्रिशिएट कर लेंगे कि नॉर्थ मतलब उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब नीचे, तो ऊपर मतलब आसमान वाला ऊपर और नीचे मतलब पाताल वाला नीचे नहीं है, कि अगर आप ज़मीन पर लेट जाते उत्तर की दिशा में अपना, पूरब की दिशा में अपना दाहिना हाथ और पश्चिम की दिशा में अपना बायां हाथ रख के अगर लेट जाते ज़मीन पे, तो जिधर आपका सर जाता वो उत्तर है, जिधर आपका पैर जाता वो दक्षिण है, या अगर ऐसे खड़े हो जाए तो जिधर आप देख रहे हैं वो उत्तर है, जिधर आपकी पीठ है वो दक्षिण है। इतना इमेजिन कर लेंगे तो डायरेक्शन का एक सेंस बनेगा कि नक्शे में भी ऐसा है। तब जब आप नक्शे को देखते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का नक्शा हो, बहुत ही खराब नक्शा बनाया है हिंदुस्तान का, चाहे वो मध्य प्रदेश का नक्शा हो, तो आप समझते हैं कि कश्मीर उत्तर में है और तमिलनाडु दक्षिण में है, पश्चिम बंगाल पूरब में है, गुजरात पश्चिम में है। ये नक्शे आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे नक्शे दीवार पर चिपका लेते हैं, तो जब कुछ ना कर रहे हो तो बैठ के नक्शे को बिना किसी टॉपिक के ऐसे ही देखते रहना चाहिए। हिंदुस्तान के नक्शे को देखते रहना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर बीच में है एमपी, एमपी से मैं तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं पढ़ता, ऊपर नीचे और दाएं बाएं में पढ़ता हूँ, जल्दी याद होता है कि अच्छा एमपी के दाएं साइड छत्तीसगढ़ है, बाएं साइड गुजरात और राजस्थान है, ऊपर यूपी है, नीचे कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह सब उसके नीचे है, और फिर बाद में करना चाहिए कि नीचे मतलब साउथ, दाएं मतलब, तो ये अगर पता है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं करके याद कर दीजिए, फिर पता होगा कि दक्षिण में है कि, और ये सवाल कभी आता नहीं कि उसके दक्षिण में क्या है, उसके पूर्व में क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं से ही पढ़िए मैप को, याद होगा। दो तीन चीज़ें ज्योग्राफी में समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विश्व का नक्शे में हज़ारों चीज़ें नहीं हैं, तीन चार प्रमुख चीज़ें, 7 महाद्वीप हैं और ऐसे 5 या 6 महासागर हैं, वो आप लोकेट कर लो कि कहाँ कहाँ हैं।
नक्शे में ऊपर हैं कि नीचे हैं, दाईं तरफ हैं कि बाईं तरफ हैं, इतना भी अगर आप, और कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैप को ऐसे चार क्वाड्रेंट में बांट लो कि कहां पर है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि विश्व के नक्शे में आपसे मैं पूछूं कि मेडागास्कर कहां पर है, या चलो और आसान सवाल पूछूं, ऑस्ट्रेलिया कहां है, ऊपर है या नीचे? नीचे है। दाएं तरफ है कि बाईं तरफ है? दाएं तरफ है। ये बात लेकिन फैक्चुअली कितनी गलत है, क्योंकि कोई दायां बायां नहीं है दुनिया में, क्योंकि दुनिया गोल है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं तो उस गोल दुनिया को हम बीच से फाड़ के ऐसे फैला देते हैं ताकि एक कागज पे पढ़ सकें, उस पर हमेशा दाएं साइड हम ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को बाएं भी बनाते तो भी गलत नहीं होता, लेकिन फिर पूरा नक्शा दूसरे तरीके से हम पढ़ते, क्योंकि सालों से हम ऐसे पढ़ते आ रहे तो हमको ऐसे ही याद है। तो परीक्षा के लिए तो दाईं तरफ नीचे, दाईं तरफ ऑस्ट्रेलिया है, नीचे एकदम नीचे अंटार्कटिका है, हिंदुस्तान कहां है, ऊपर है कि नीचे है, एकदम ऊपर है कि एकदम नीचे है, बीच से हल्का ऊपर कि हल्का नीचे, हल्का ऊपर। आप देख रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि अक्षांश देशांश क्या है, नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन इतना तो पूछ रहा हूं कि कहां है। हल्का ऊपर है मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है, यानी कि 23.5 डिग्री वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है ना ऊपर से, कौन सी जाती है, ये सब याद नहीं रहता, छोटे छोटे पॉइंट्स तो रटने पड़ते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि इंडिया इसके ऊपर है और नक्शे पे कहाँ है, थोड़ा दाहिने तरफ है। यूरोप जो है वो कहाँ है, यूरोप ऊपर है या नीचे है, ऊपर दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, रशिया किस तरफ है, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, इतना ही केवल करेंगे ना कि नक्शे पे, विश्व के नक्शे पे खड़े रह के यही याद करते हैं, अच्छा ये रहा फ्रांस, जर्मनी, ये सब अलग अलग लोकेशन, डॉट टू डॉट याद ना हो सके भले, कम से कम ब्रॉडली तो मोटा मोटा तो याद हो कि ये चार हिस्सों में अगर किसी कागज को काटते हैं तो इस तरफ ऊपर जो है इधर रशिया है। और अच्छी बात यह कि ऊपर और दाएं बस रशिया ही रशिया है, ज्यादा बहुत दूर तक रशिया ही चलता रहता है, फिर छोटे छोटे रशिया के कुछ कंट्रीज हैं, फिर इंडिया है, बहुत बड़ा हिस्सा तो चाइना है, तिब्बत है, ये जो बायां हिस्सा है, यहाँ छोटा सा यूरोप है, उसमें बहुत सारे देश हैं, 27-30 सभी महत्वपूर्ण है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे उत्तर अमरीका है, फिर ये नीचे दक्षिण अमरीका है, यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जब आप ऐसे ही विश्व का, ऐसे ही भारत का, कि भारत में सिक्किम कहाँ है, बस ऊपर दाएं बाएं नीचे, बस चार भाषा में बताना है कहाँ है, ऊपर नॉर्थ ईस्ट किधर है, ऊपर कि नीचे, ये भी डाउट हो रहा है क्या, सिक्किम ऊपर है कि नीचे है, ऊपर में दाएं है कि बाएं है, दाएं है। राजस्थान कहाँ है, बाएं। तो विश्व का नक्शा समझ के फिर भारत के नक्शे को भी, कि कौन सी चीज कहां है। मध्य प्रदेश बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कि मध्य प्रदेश कहां है नक्शे में, बीच में है ना। बहुत बार लोग कहते हैं मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, दिल बीच में नहीं होता, बीच में तो बीच में तो तोंद होती है। तो क्या मध्य प्रदेश नक्शे में याद कर रहा है, तो मध्य प्रदेश भारत की तोंद है, बीच में दिल के पास कौन सी जगह है, दिल के पास तो दिल्ली या हरियाणा है। तो भारत का नक्शा बड़ा सुंदर है, भारत का नक्शा ऑलमोस्ट इंसान जैसा लगता है, बहुत बार भारत माता की इमेज उसके बीच में फिट कर देते हैं और ऐसे हाथ खोल के अगर भारत माता खड़ी हो जाती है तो और आसानी से याद हो जाता है कि किस किस हाथ पे कौन सा है, पैर के पास कौन सी है, सिर के पास कौन सा है। तो ऐसे ये अगर आपको जो 27-28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अगर इसको आप लोकेट कर सकते हैं कहाँ कहाँ हैं, तो काफ़ी हद तक आपको, और एग्जैक्ट नहीं, केवल चार हिस्सों में बांटते कि तो ऊपर दाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे बाएं, इस चार क्वाड्रेंट में भी फिट कर ले, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ में, फिर ऊपर मतलब नॉर्थ, दाएं मतलब ईस्ट, बाएं मतलब वेस्ट, दक्षिण मतलब नीचे मतलब दक्षिण, तो आप काफ़ी हद तक याद कर लेंगे। एमपी का नक्शा याद करने के लिए भी आपको अलग से एमपी के नक्शे को भी ऐसे ही समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रीवा कहाँ पे है, बस ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, दाई राइट साइड कि लेफ्ट साइड, राइट साइड। मुरैना किधर है, ऊपर, राइट या लेफ्ट,
लेफ्ट। एक तरीका यह है कि ऊपर वाले सारे लोगों सारे को राइट लेफ्ट छोड़ के ऊपर वाले सारे जिलों को एक साथ एक बार देख लिया जाए कि अच्छा ऊपर कौन कौन से हैं। तो इधर इधर से शुरू होते हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, ग्वालियर वगैरह, और आते हैं इधर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, फिर इधर आते हैं रीवा, सतना और चले जाते हैं तो शहडोल और वहाँ तक, तो ये सिंगरौली सीधी तक। अच्छा ये सब ऊपर ऊपर है, फिर ऐसे नीचे नीचे कौन सा, आप देख रहे हैं कि मैं मुँह ज़बानी आपको बता पा रहा हूँ कि ऊपर ऊपर कौन से हैं, क्योंकि मेरे को नक्शे को इस तरीके से पढ़ा है। एग्जैक्टली पूछेंगे कि सिंगरौली और सीधी और रीवा में कि एग्जैक्टली रीवा ऊपर है कि सिंगरौली, तो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ऊपर ऊपर दाहिने साइड हैं सब, ब्रॉडली ब्लर तरीके से याद है। नीचे नीचे क्या है, नीचे बाएं लेफ्ट से शुरू करें अगर तो लेफ्ट से क्या है, बुरहानपुर, अलीराजपुर, शुजालपुर, शाजापुर वगैरह वगैरह, उज्जैन, फिर ये बड़वानी, खंडवा, ये सब ये सब है। बीच में कहीं आते हैं तो यहाँ होशंगाबाद, ऊपर थोड़ा सा भोपाल, और इस तरफ जाते हैं तो सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ऐसे करके ऊपर और नीचे को एक बार याद कर लिए। ऐसे ही दाएं और बाएं करके पूरा बायां एक साइड की बाएं में देखते हैं तो ऊपर से शुरू होता है तो मुरैना, भिंड से शुरू होता है, चंबल, ग्वालियर, और नीचे जाते हैं तो यहाँ कहीं उज्जैन, इंदौर आता है, शाजापुर, बुरहानपुर, और नीचे तक आते आते खंडवा, ऐसे ऐसे ही दाहिने साइड को पूरा देखें, पूरा बिना ऊपर नीचे, तो वहाँ से शुरू करते हैं कि रीवा है, छतरपुर है यहाँ, और नीचे जाते हैं तो बालाघाट, मंडला तक आते हैं। तीन चार बार अगर ऐसे मैप को कर लिया तो मैप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता है। फिर जितनी बार ज्योग्राफी पढ़ते हैं उतनी बार ज्योग्राफी के हर चीज़ को नक्शे पर सोचना ज़रूरी है। ये तीन नक्शे तो पास में होने चाहिए, तो आप नक्शे पर सोचते जाएंगे तो आपको रिलेट करते रहेंगे। जब कोई कहेगा कि नेपा नगर किस चीज़ के लिए फेमस है और आपने रट लिया कि अखबारी कागज़, तो एक बार पूछिए कि नेपा नगर किधर है, किधर ऊपर है कि नीचे है, दाएं हैं कि बाएं हैं। इतना अगर आपको रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा कहाँ है नेपा नगर, बाएं साइड में, नीचे की तरफ यहाँ कहीं नेपा नगर है। एमपी का भी मैं बहुत सुंदर नक्शा बनाता हूँ। इतना ही ज्योग्राफी मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं इसको कि नेपा नगर यहाँ कहीं है, एग्जैक्ट जिला शायद आपको भले इतना पता है कि इधर कहीं रतलाम भी है, इधर कहीं मंडसौर है, इधर कहीं नीमच है, खंडवा है, बुरहानपुर, इतना पता है। इस तरफ सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल है, यहाँ पे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वगैरह। इतना अगर आपको याद है तो जितने एमपी जीके के फैक्ट्स हैं आप उसको रिलेट कर पाएंगे। इससे आपका जितना पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, खनिज है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। एग्जैक्ट याद करना तब ज़रूरी है अगर आप ज्योग्राफी की मेंस की जब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके अब तो ऑप्शनल्स होते नहीं हैं एमपीपीएससी में, तो ही एग्जैक्ट प्लॉटिंग जब आती है तो वहाँ पर मैप के क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट याद करना है, बट ओवरऑल ज्योग्राफी समझने के लिए केवल ब्रॉडली समझना है। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, टुंड्रा, टैगा और इस तरह की चीज़ें आती हैं, सहारा डेजर्ट, तो एग्जैक्ट नहीं भी याद हो इतना ही पता हो कि सहारा डेजर्ट कहाँ है, तो अफ्रीका के ऊपर ऊपर है, बस इतना तो याद रहेगा कम से कम। टुंड्रा कहाँ है, तो मैप के दाहिने साइड ऊपर में कहीं भरा भरा सफ़ेद सफ़ेद सा जो है वो टुंड्रा है, बस इतना भी अगर याद रहता है तो इट इज़ गुड इनफ। फिर आपको क्या होगा कि जो कागज़ के एक शब्द है वो आपको विजुअली कहीं दिखने लगे। विजुअल मेमोरी जो होती है ना, आँखों की विजुअल मेमोरी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपने देखा छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे हाथों से एक्शन करते हैं, एक बड़े राजा की बेटी, तो बच्चों विजुअलाइज करते हैं कि बड़ा राजा, उसकी छोटी सी बेटी, तब बच्चों के दिमाग में बैठता है। तो वही सबके साथ काम करता है, विजुअल मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।